स्टूडेंट्स, हमने अरबीन नौवी अहादीस शुरू की हुई थी। ठीक है, तो हम अहादीस के उसमें से अहादीस के सैको सबाक पढ़ रहे थे। ठीक है, अहादीस के सैको सबाक और उनकी वजाहत। ठीक है, हमने कल पिछले लेक्चर में 6 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज मैं आपको 7 होते हैं जो ये पढ़ाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अल्लाह कातब एहसाना अला कुल्ली शैन। ठीक है, अब इसका तर्जमा देखें। बेशक अल्लाह ताला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज कर दिया है। ठीक है, इसका सियाक़ो सबाक देख लें। ये हदीस अरबईन नौवी से ली गई है जिसमें एहसान की तफसील है। इस हदीस के रावी अबू आला शद्दाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने एहसान को हर चीज़ पर फ़र्ज किया है, बल्कि इंसानों के साथ ही नहीं, ठीक है ना, बल्कि हैवानात के साथ भी एहसान की तालीम दी गई है। ठीक है, अभी आप इसकी वजाहत देखें। देखें, जैसे कि इस हदीस में भी कहा गया कि जब तुम किसी को कत्ल करो तो अच्छे तरीके से, यानी उसे अजियत दे के कत्ल ना करो। ठीक है, और ज़िबा के साथ भी यही एहसान के मतलब, जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो उसके साथ भी एहसान करो। एहसान का मतलब ये है कि छुरी इस तरह की इस्तेमाल करो ताकि वो फ़ौरन से वो काट दे। ठीक है ना, जिस तरह सबसे पहला गला ही होता है। ठीक है, ये ना हो कि वो छुरी अटक अटक के उसको वो काट रही है। ठीक है, बल्कि तेज़ छुरी से जानवर को ज़िबा करो ताकि उसे तकलीफ़ ना हो। और एक दूसरे, और फिर ये भी है कि दूसरा एक जानवर, यानी जानवरों के सामने उन्हें ज़िबा ना किया जाए। ठीक है, यानी जानवर उसे ना देखें। फिर ठीक है, अब ज़िबा करने से पहले क्या है, जानवरों को पानी पिलाया जाए। ठीक है, फिर जो दिन जानवरों के साथ हुसैन सलूक की तालीम व ताकीद करता है, तो इंसान तो फिर क्या है, अशरफुल मखलूक है। इससे भी ज़्यादा हुसैन सलूक की ताकीद फरमाई गई है। ठीक है, अब देखें ये 8 देखें। इन्ना मिम्मा अदराकल नासु मिन कलाम नबुव्वत अलौला। ठीक है, बेशक लोगों ने जिस तालीमात को पहले अनबिया से पाया है, ठीक है, यानी वो शर्मोहया है। सियाक़ो सबाक़ इसका देख लें। ये अरबईन नौवी की हदीस नंबर 20 है। इसमें शर्मोहया का मफहूम वाज़ेह किया गया। इसके रावी हज़रत अबू मसूद अकबा बिन उमर अंसारी बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, बेशक लोगों ने साबिक अनबिया, यानी जो इनसे जो पहले अनबिया कराम, ठीक है, अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के कराम से जो चीज़ पाई है वो ये है कि जब तुझे हया ना रहे तो तू जो चाहे मर्जी कर। इस हदीस मुबारका में हया की अहमियत बताई गई है। साबिक शरीयत में भी इसका हुक्म था और अब भी यही हुक्म है। ठीक है, फिर आगे नंबर 9 पे देखें। वसलातु नूर वसदाकतु बुरहान। और बेशक नमाज नूर, बेशक नमाज नूर और रोशनी है, और सदका और खैरात करना भी रोशनी है। सियाक़ो सबाक़ इसका देख लें। यह हदीस अरबईन नौवी से ली गई है जिसमें मोतद अमाल हसना का जिक्र किया गया है। इस हदीस के रावी अबू मालिक हारिस बिन आसिम अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहारत क्या है, ठीक है, यानी तहारत आधा ईमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मेज़ान को भर देता है, यानी तराजू को, जिसमें हमारे अमाल का वजन किया जाएगा। ठीक है, एक पलड़े में क्या होगा, बुराइयाँ, एक में नेकियाँ। ठीक है, और सुबहानल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जो खला, ठीक है ना, आसमानों और ज़मीन के दरमियान है, दोनों भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है, कुरान मजीद में तेरे हक या तेरे मुखालिफ दलील है। ठीक है, हर आदमी जब सुबह को निकलता है तो अपनी जान का सौदा करता है, फिर इसे आज़ाद कराता है या हलाक करता है। इसकी वजाहत देखें। इस हदीस से मालूम होता है कि हमें दुनिया में
अब्स नहीं भेजा गया, बल्कि ये दारुल अमल है और इसमें नफ्स की पैरवी की बजाय अहकाम इलाही के पाबंदी करनी चाहिए। इसलिए दुनिया को मोमिनीन के मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत करार दिया गया। मुख्तसर ये कि दुनिया, ये देखें, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ठीक है, अब 10 पे देखें, वामर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर मुनकर सदाकात, और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका और खैरात है। हाँ जी, इसका सयाक व सबाक देख लें। इस हदीस में सदका का वसी मफहूम बयान किया गया। यह हदीस इब्न नौवी की हदीस नंबर 25 है। इसकी रावी हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कुछ सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि दौलतमंद अजर ले गए और हमारी दुनिया और हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं, वो हमारी ही तरह रोज़े रखते हैं और वो अपने जायद माल में से सदका करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर तस्बीह सदका है, हर तकबीर सदका है, और अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है। ठीक है, समझ आ रही है। अब इसका देखें वजाहत, नेकी का हुक्म देना सदका और बुराई से मना करना सदका है। ठीक है, यानी ये भी सदका है। तुम में से किसी का अपनी बीवी से मुबाशरत करना सदका है। ठीक है, यानी ये भी सदका है, मुबाशरत करना भी। साहब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो इसमें इसके लिए सवाब है। ठीक है, कि यानी इंसान अपनी वो ख्वाहिश पूरी भी करता है ना, तो इसमें इसके लिए भी क्या है, उस इंसान के लिए इसके लिए सवाब है। ठीक है, फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर वो इसे हराम में इस्तेमाल करता है तो क्या इस पर गुनाह ना होता, तो इस तरह जब हलाल में इस्तेमाल किया तो इसे इसका सवाब है। मुख्तसर ये कि सदका सिर्फ रुपये पैसे का नाम नहीं है, बल्कि मज़कूरा हदीस में सदक़े का वसी मफहूम बयान किया गया है। ठीक है, देखें, हाँ जी, आगे पर देखें 11 पे, वलिकुल्ली खुतुवत तमशीहा इला सलात सदक़ात, और हर कदम जो नमाजी मस्जिद जाने के लिए चलता है वो सदका है। अब इसका साको सबाक देख लें, ये अरबईन नौवी की हदीस नंबर 26 है। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को हर जोड़ पे सदका है, हर रोज़ जब सूरज निकलता है तो दो आदमियों के दरमियान अदल करता है सदका, और किसी आदमी की इसकी सवारी में मदद करता है, फिर इसे इस पर सवार कराता है और इसका सामान इस पर लदवाता है। ठीक है, सदका है, और पाकीज़ा बात भी सदका है। ठीक है, अब इसकी वजाहत देख लें, हर कदम के बदले जो तू नमाज की तरफ चलता है वो भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दा, देखें रास्ते में अगर कोई पत्थर आ जाता है, कोई ईंट का पीस आ जाता है, कोई भी चीज़ आता है, इवन कि वो केले का छिलका भी क्यों ना हो, ठीक है ना, हम उसे भी रास्ते से हटा देंगे तो वो क्या होगा, इस नीयत से कि मतलब कोई इस पे मतलब इसे किसी को नुकसान ना पहुँचे, ठीक है ना, हम हटा देते हैं तो वो क्या है, वो भी सदका है। ठीक है, पहली हदीस की तरह इस हदीस से भी यही हकीकत अज़ीम-ए-शम्स होती है कि सदका सिर्फ माल ही से नहीं होता, देगर अमूर यानी देगर काम रोज़मर्रा का सर अंजाम देना भी सदके के ज़मरे में आता है। ठीक है, क्लास आप ये 12 भी कर रहे हैं। वल इस्म मा हलाका फी सदरी का, और बेशक गुनाह है जो तुम्हारे दिल में खटके। ठीक है, यानी जो इसका, हाँ जी, से आप कुछ बात देख लें, ये इस्लामिक तहरीर के, हाँ जी, ये इस्लामिक तहरीर अब एफ़ ए के निसाब में शामिल है। हदीस नंबर 27 है, जिसमें नेकी और बदी का फ़र्क वाज़ह किया गया। ठीक है, इस हदीस के रावी हाँ जी, इस हदीस के रावी नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनके रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी हुस्ने अखलाक का नाम है, और बदी वो है जो तेरे नफ्स में खटके, तो और तू ये बात ना पसंद करे कि लोग इससे आगाह हों। नेकी से इंसान का ज़मीर मुतमईन होता है, जबकि बुराई की वजह से दिल में खलश रहती है। ठीक है ना, देखें कोई भी बुराई करते हैं, ठीक है ना, अगर वो तो क्या है, दिल सुकून में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये तो रियलिटी है, हमें उसका फील होता रहता है कि ये गलत किया या गलत हो गया, चाहे पहले
ये चीज़ हमें फील हो जाए या चाहे बाद में हो जाए, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ हमारे दिल में रहती है, ठीक है ना। अब इसकी वजाहत देख लें, यानी इंसान का ज़मीर सबसे बड़ा मुफ्ती है जो इसको नेकी और बुराई के बारे में आगाह करता है। मतलब ये कि किसी और से नेकी और बदी के बारे में सवाल करने की ज़रूरत नहीं, तुमको खुद ही मालूम हो जाएगा कि नेकी क्या है बदी क्या है। मोमिन का दिल आईने की मानद है, ठीक है, इससे वो नेकी व बदी का अक्स बआसानी देख सकता है। ठीक है क्लास, आपने ये करना है और इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने ये अहादीस के सियाक को सबाक करना है और सारी क्लास के स्टूडेंट्स ने इसे करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।